एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिचा किसू ब्लॉग्स। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोग सब अपने घर पे इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जितना ज़्यादा हो सके हर कोई अपना 100% दे रहा होगा कि जितने अच्छे से हो सके मनाएं। हम भी तैयारी में लग चुके हैं। वीडियो ब्लॉग शुरू करने में मुझे थोड़ा देर हो गया क्योंकि सुबह से थोड़ा जल्दी जल्दी रहता है ना, तो इसके कारण मैं शूट नहीं कर पाई। पर अभी मैं आपको दिखलाती हूँ कि हम लोग कैसा रेडी कर रहे हैं। अभी पूरा डन नहीं हुआ है पर फिर भी मैं आपको दिखलाती हूँ। ये है हमारे कृष्ण जी का झूला। अभी ये रेडी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है इसमें करना। और मैं अपने राधा कृष्ण जी को आपको नहीं दिखलाऊंगी क्योंकि वो मैं आपको बाद में दिखलाऊंगी। बाकी हमारा जो सजावट है वो कर रहे हैं हस्बैंड जी। बोला लाइट देना थोड़ा ले लीजिए। ये लाइट कहाँ डाले? और इसमें ऐसे ऐसे नीचे में? हाँ नीचे में चाहिए? नहीं नीचे में रहने दो, नहीं होता है तो ऊपर ऊपर में लड़ी जैसा लटका दो नीचे, क्योंकि भोग वगैरह उनका लगाएंगे ना तो भरा भरा सा हो जाएगा। किशु भी अपने पापा का हाथ बटाने आ जाती है बार बार, बटाने से ज़्यादा तंग करने। तो चलिए अब जब फाइनल हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखलाऊंगी। तो ये देखिए हमारा झूला बिल्कुल रेडी हो गया है हमारी राधे श्याम के झूलन के लिए। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे राधे कृष्ण जी का जो श्रृंगार हुआ है पूरा, और जो हमने सजावट की है। ये सब हमने हाथों से बनाया है। आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा है ये सब। ये सब मैंने हाथों से बनाया है, इसके अंदर थोड़े थोड़े धागे दिख रहे हैं पर फिर भी मैंने दिल से किया है इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे पहली बात कि मेरे राधा कृष्ण जी को ये पसंद है क्योंकि उन्होंने ही ये करवाया है। और अब आप देखो हमारे राधे कृष्ण को। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे राधे कृष्ण जी का श्रृंगार। आप सभी जरूर बताना कि वो कैसे लग रहे हैं। और ये है हमारी प्यारी सी राधा रानी जो सांवरिया के जन्मदिन पे तैयार हुई हैं। यहाँ है हमारे जगन्नाथ प्रभु, सुभद्रा मैया और बलदेव जी। और इधर है हमारे छोटे से लाला। अभी मैंने इनको ड्राई फ्रूट्स और फल का भोग लगाया है, बाकी फिर शाम में हम इन्हें और भी को जो कुछ बनाएंगे उनका भोग लगाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखलाती हूँ हमारा पूरा जो सजावट हमने किया है, ये देखो आप। ये है हमारा पूरा का पूरा सजावट। तो अभी इधर का सारा प्रिपरेशन वगैरह हो गया है, बाकी तो जो भी अब कृष्ण जी की इच्छा होगी तो वो सब आगे होते रहेगा जैसे जैसे उनको इच्छा होगा कि उनको क्या चाहिए क्या करना है। तो क्योंकि मैं हर बार ना जन्माष्टमी पे उनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ कि उन्हें जैसा सजवाना है, जैसा खुद को रेडी करना है, जो भी ड्रेस पहनना है। यहाँ तक कि मैं उनकी ड्रेस लेने मार्केट भी गई थी तो मैं यही उनको बोल के जाती हूँ कि आपको जो पसंद आए आप वो ले लेना, क्योंकि हमें तो सब पसंद आ जाते हैं और नहीं तो फिर समझ ही नहीं आता कि कौन सा लू कौन सा सबसे बेहतर है लल्ला के लिए। तो इसके लिए मैं हमेशा इनको यही बोल के जाती हूँ और लेके भी आती हूँ तो शायद इनको अच्छा लगता है इसलिए। और जब मैं सजाती भी हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि जैसा इनकी इच्छा हो वैसे ही ये सजवा ले, तो हमारा वैसा ही हम सजा भी लेते हैं। और अभी सब हो गया है, अब मैं जा रही हूँ किशु को रेडी करूँगी क्योंकि उसे भी राधा रानी बनाना है। फिर उसके बाद हम कुछ खाना वगैरह बनाएंगे क्योंकि हमारा और मेरे हस्बैंड का तो उपवास है पर पापा का उपवास नहीं है, तो उनके लिए खाना बनाऊँगी। फिर हम रेडी करेंगे शाम के लिए रेडी करेंगे सारा जो भी उनको भोग वगैरह लगेगा, जो आज का स्पेशल भोग इनका होता है वो सब मैं तैयार करूँगी। तो चलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा क्या आनंद आएगा क्योंकि आज आनंद वाला दिन है। ठीक है, आप इस लड़की को ये कैसे बनी घूम रही है देखिए। इसके बाबा इसको चॉकलेट ला के दिए हैं और ये देखिए कैसे चॉकलेट पूरा मुँह में लगा के घूम रही है।
अच्छे से। हाय गाइस, देख रहे हो ना आप कितना स्ट्रगल है एक बच्चे को राधा रानी बनाने के चक्कर में। मुश्किल से इसका 2-4 फोटो आया है सही से, और उसके बाद बस ये तोड़ने में लगी है, जबकि मैंने उतना कुछ हेवी इसको किया भी नहीं है। हाँ खोल देते हैं, तुम एक बार हाय गाइस कर दो अच्छे से, प्यारी सी राधा रानी जैसे। अच्छा चलो खोल देते हैं, बोलो बुद्धि दीजिए। हम आपकी प्यारी राधा है। हाँ वो प्रसाद है, प्रसाद। चलो ठीक है, हो गया। चलिए अब एक बार जय कर दो, हाथ जोड़ के जय कर दो, हाथ हाथ पर हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोलो हरे कृष्णा। चलो चलो झूठा नहीं करते आप, चलिए चलिए। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ रात की पूजा के लिए, अभी 10 बज रहा है, अभी से पूजा वगैरह चालू करूंगी और करते करते 12 बज जाएगा, फिर श्री कृष्ण जी का जन्म होगा। तो चलिए मैं आपको दिखलाती हूँ आगे आगे कि मैंने कैसे कैसे पूजा किया है। गर्मी काफी है, इस तरह मैंने बाल बांध लिया है क्योंकि खुला करके पूजा कर पाना मुश्किल है थोड़ा। तो चलिए मैं आपको दिखलाती हूँ कि मैंने कन्हैया के लिए क्या क्या भोग का प्रिपरेशन किया है। ये देख सकते हो, ये रोस्ट मखाना है, साबूदाना, सूजी का हलवा, ये धनिया पंजरी है, खीरा का रायता, यहाँ पे मूंगफली रोस्ट किया हुआ है, और यहाँ पे आलू टमाटर की सब्जी है, और यहाँ पे कुछ स्वीट्स है कन्हैया के लिए जो हमने दुकान से मंगवाया है। ये कन्हैया के लिए दूध, और ये अभिषेक के लिए फूल है, और यहाँ पे गंगा जल मिला हुआ पानी है, और यहाँ पे पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, शहद, घी है, और अभी इन सब पे तुलसी पत्ता डालना बाकी है। ऐसे हम उसे तुलसी दल कहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तुलसी दल डालना बाकी है, वो डालने के बाद हम इसे कन्हैया को भोग लगाएंगे। तो अभी हम लोग सबको ही रेडी हो गए और अब बस पूजा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम अभिषेक करेंगे भगवान जी का, उनके लिए हम इनका वस्त्र वगैरह हटा देते हैं। तो अभी मैंने लाला और लाली दोनों के वस्त्र हटा दिए हैं जो इन्होंने पहले से पहने हुए थे, और इसके बाद अब इनका हम स्नान करेंगे, इसके लिए मैंने दूसरा वस्त्र पहनाया है इनको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम राम। पंचामृत स्नान के बाद मैंने इन्हें अच्छे से साफ पानी से स्नान करा दिया है, और अब हम इन्हें वापस से पोशाक पहनाएंगे। मैं इन्हें सुबह जो पोशाक पहनाती हूँ वही रात में भी स्नान के बाद पहनाती हूँ। आप चाहो तो रात में दूसरे भी पोशाक पहना सकते हो, पर मैं शुरू से ऐसे ही करते आई हूँ, इसी कारण मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। Thank you.
मेरे सभी प्यारे दर्शकों के लिए। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैं अभी ब्लॉग बस अब यहीं पे एंड कर रही हूँ। हम लोगों ने भी फलहार कर लिया है और अब लगभग पौने दो बज गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना और चैनल पर नए हो तो जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना।